प्रश्न 20, अंडर रूट साइन एक्स माइनस अल्फा बटे साइन एक्स प्लस अल्फा का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। हम समाकलन को आई के बराबर मान लेते हैं। माना आई बराबर है इंटीग्रल साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा का अंडर रूट डी एक्स। हमने समाकलन को आई के बराबर मान लिया। अब हम इसे साइन एक्स माइनस अल्फा से गुणा और भाग कर देते हैं, तो आई का मान क्या हो जाएगा? इंटीग्रल अंडर रूट साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बटे साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। हमने इसे अंश और हर में जो अंडर रूट के नीचे लिखा है, इसे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस अल्फा यहां अंश में भी गुणा कर दिया है और हर में भी गुणा कर दिया है। अब यहां देखो, ये हो गया साइन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट लेने से क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा। ये हो गया साइन एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर। यहां स्क्वायर हो गया है, अंडर रूट लिया तो स्क्वायर हट गया। यहां अपॉन में अब देखें क्या मिलता है। ये हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का रूप। त्रिकोणमिति से हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हमारा त्रिकोणमिति का सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करें तो यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट तो अब यहां तो रहेगा, हर में तो अंडर रूट रहेगा। यहां हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। अब हम इसको दो समाकलनों में तोड़ेंगे। तो साइन एक्स माइनस अल्फा साइन ए माइनस बी का रूप है। साइन ए माइनस बी हमारा सूत्र है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अर्थात ये साइन एक्स माइनस अल्फा कैसे लिखा जा सकता है? साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। यहां आ गया इंटीग्रल, यहां आ गया। ताकि ये समाकलन जो आई है दो हिस्सों में बट जाए। पहला हिस्सा तो जब हम इसके साथ साइन एक्स कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लें, दूसरे में माइनस करके जो ये कॉस एक्स साइन अल्फा है इसका भाग इस अंडर रूट के साथ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इसके साथ लग रहा है। तो हमें दो समाकलन अब मिल गए। तो दो समाकलन में पहला समाकलन हम आई लिख लेते हैं। आई बराबर हो जाएगा आई वन प्लस आई टू। आई वन हमारा क्या हो गया है? आई वन तो हो गया साइन अल्फा इंटीग्रल साइन एक्स कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉस के रूप में कैसे बदलूंगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई वन का मान कितना हो जाएगा? इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारा आई वन का मान होगा। यदि मैं यहां कॉस एक्स को टी मानूं तो मुझे साइन एक्स डी एक्स का रूप मिलता है। तो मैंने कॉस एक्स बराबर टी ले लिया, अवकलन किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी होगा, अर्थात साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी होगा। तो इस मान को मैं यहां रख दूं, प्रतिस्थापन की विधि का प्रयोग कर रहे हैं,
माइनस डी टी, तो ये हो गया कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है, कॉस अल्फा को भी हम बाहर ले लें, माइनस का कॉस अल्फा यहां है डी टी, इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट, यहां देखो क्या आ रहा है, वन माइनस टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको तो हमने कांस्टेंट के रूप में ले लिया, माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा आई वन का अब मान आ गया है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए माइनस कॉस अल्फा एज इट इज रहा, इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट, इसको मैं कॉस स्क्वायर अल्फा अर्थात कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। अब ये किस रूप में आ चुका है, मानक मानक जो हमारे सूत्र हैं उसके किस रूप में आ चुका है, तो देखो इसका रूप है इंटीग्रल एक बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इस रूप में ये तो है कांस्टेंट, ए है, ये है हमारा चर, तो इसका जो सूत्र है वो क्या है, सूत्र लिख लेते हैं, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, हमारा सूत्र ये होता है, तो यहां मान कितना हो जाएगा, ये मान हो गया माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए अर्थात टी अपॉन कॉस अल्फा, सी हम दोनों जो समाकलन हमारे होंगे आई वन और आई टू उनका एक साथ लिख देंगे, टी हमारा क्या है कॉस एक्स, अर्थात जो I1 हमने प्राप्त किया है वो हमारा कितना हो गया माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा, ये हमारा I1 का मान आया है, इसको हम यहां लिख लेते हैं और इधर इसको मिटा देते हैं, तो यहां से तो मैं मिटा रहा हूं और I1 का मान मैं लिख देता हूं, I1 बराबर हो गया माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा। अब हम I2 का मान निकालते हैं, तो यहां भी हम इसको भी मिटा देते हैं और I2 को लिख लेते हैं, I2 हमारा है माइनस इंटीग्रल कॉस एक्स साइन अल्फा बटे अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डीएक्स है, तो माइनस तो हमारा बाहर है ही, हम यहां क्योंकि साइन अल्फा कांस्टेंट है इसको इंटीग्रल के बाहर ले लें, ये हो गया माइनस साइन अल्फा इंटीग्रल कॉस एक्स बटे अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी एक्स, ये हमारा आई टू का मान होगा। अब यदि मैं साइन एक्स को टी मान लूं तो मुझे कॉस एक्स डी एक्स मिल रहा है, तो मैंने साइन एक्स बराबर टी ले लिया, जो हमें अवकलन करने से क्या देता है कॉस एक्स डी एक्स डी टी के बराबर है, आई टू का मान हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने इस रूप में लिख दिया। अब हमारा मानक सूत्र क्या है, हमारा मानक सूत्र हम यहां लिख लें, सूत्र है ये किस रूप में आ रहा है, इंटीग्रल एक बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इस रूप में है, जिसका मान होता है लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा मानक सूत्र है, तो इसका I2 का मान क्या हो जाएगा, I2 का मान हो गया माइनस साइन अल्फा, तो ऐसा कैसे ही रहा लॉग
मॉड्यूलस x, x के स्थान पर मैं t लिखूंगा, t प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस c। c मैं दोनों का मानक जो i1 और i2 है उनके जो समाकलन के अचर हैं उनको मैं एक साथ लिख दूंगा। अब t का मान यहां साइन x है तो मैं यहां साइन x लिख दूं तो मुझे i2 का मान प्राप्त हो जाएगा। i2 बराबर क्या हो गया, यहां लिख लेते हैं माइनस साइन अल्फा प्लस इनटू लॉग मॉड्यूलस t हमारा है साइन x, तो साइन x प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का मॉड्यूलस। अर्थात i बराबर i1 प्लस i2 होने पर यहां से पुनः इसको मिटा दें हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए i बराबर है माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स कॉस एक्स बटे कॉस अल्फा, कॉस एक्स बटे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू लॉग मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी, जहां सी समाकलन का अचर है। ये हमारा अभिष्ट आई का मान होगा, अभिष्ट समाकलन होगा।